ਕੱਲੂ ਖਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਕਈ ਅਬਸਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੂਲੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਕਾਏ ਦਰਦ ਜਦਾਈ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਵੀਰ ਜਿਗਰ ਜੋ ਕੰਨੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਜਿਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ जिस तख्त उत्ते बहके शाहजहान ने जिस तख्त उत्ते बहके औरंगजेब ने राज कीता सरदार जस्सा सिंह जी ने जदों दिल्ली फतेह की उन्हूं घोड़िया हाथियां दे मगर पा के उस तख्त नूं पुट के इत्थे धन गुरु रामदास दे चरणां विच लिया के सुट दिता और यह बड़ी वड्डी बहादरी दी और बड़ी वड्डी जित सी खालसा पंथ दी। सिख कौम दे बहुत सारे जरनैल होए ने जिन्हां दे विचों एक ने सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया की तीजी जन्म शताब्दी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मनाई जा रही है। सो अज असीं खड़े होए हां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब की परिक्रमा के बिल्कुल कोल जिथे रामगढ़िया बुंगा भी मौजूद है। सो अज तुहानूं इस बुंगे बारे भी जिथे जानकारी देवांगे उत्थे ही सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया बारे भी असीं जानन की कोशिश करांगे कि उन्होंने किस तरीके दे नाल दिल्ली फतेह की सी ते उस तो बाद जिहड़ा तख्ते ताऊ सी उसनूं लिया के गुरु रामदास साहब जी दे चरणों के विच विराजमान कर दिता सी कि जिहड़े दुनियावी तख्त ने वह इस गुरु घर के सामने ना मात्र ने तो इन्हों कुछ भी नहीं समझते। सो जस्सा सिंह रामगढ़िया जिन्होंने महाराजा भी कहा जाता सी ते भाई बघेल सिंह ने रल के दिल्ली का लाल किला जिहड़ा सी वह फतेह किया। औरंगजेब जिस तख्त पर बैठता सी अपना दरबार लगाउंदा सी उस तख्त नूं तख्ते ताउस जिन्हों कहा जाता सी अते 44 थम्मां नूं पुट के अमृतसर श्री हरिमंदर साहिब विखे लिआंदा सी ते इस तों बाद बुंगा रामगढ़िया का निर्माण कार्य जिहड़ा सी वह शुरू कर दिता सी। जदों असीं जस्सा सिंह रामगढ़िया के बारे जानन की कोशिश करते हाँ तो उन्हां दा जन्म 5 मई 1723 ईस्वी में इशो गिल लाहौर दे विच होया सी। सो उन्हां दे जिहड़े माता पिता सी भगवान सिंह पिता अते हरदास सिंह दादा जी दसे जांदे ने तां उह जदों रामगढ़िया मिशल दे जिहड़े सरदार बने सी तां दिल्ली दे जिहड़े तख्ते दे उत्ते जिहड़ा सी तख्ते ताउस जिहड़ा सी उह लै के आए सी दिल्ली फतेह कीती सी। सो बहुत विशाल सिख कौम दा जदों असीं इतिहास पढ़दे हाँ तां जस्सा सिंह रामगढ़िया दा अहम जिक्र जिहड़ा उस दे विच हुंदा है। सो दस्या जांदा है कि बाबा हरदास जी ते ज्ञानी भगवान सिंह जी तरखाण होण करके गुरु घर नूं हथियार बना के दिंदे सन। जस्सा सिंह ने दिल्ली तो मुगलों दियाँ 4 तोपां भी जदों लुटियां तो उस समय मेरठ ते दिल्ली भी उन्होंने लुट तो नहीं सी बच सकी। रामगढ़िया मिसल के संस्थापक खुशहाल सिंह ते नंद सिंह जी सन पर इस मिसल नूं ज़्यादा प्रसिद्धि सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया करके ही मिली सी। कहा जाता है कि जदों सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया अपने 100 सिंघां समेत राम रौणी विच जूझ रहे 500 जुझारू सिंघां नाल जा रले तो सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने राम रौणी के किले नूं खालसा फौजां की मदद नाल अपने अधीन कर लिया सी ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਮ ਰੌਲੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 44 ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੀਜੀ
जन्म शताब्दी जिहड़ी आ जस्सा सिंह रामगढ़िया की मनाई जा रही है। सो दूर दुराडे इलाके तो जिहड़े खास करके रामगढ़िया भाईचारे दे नाल संबंधित लोग ने वो इत्थे आ के अज जिथे नतमस्तक हो रहे हैं गुरु घर उत्थे ही इस बुंगे दे विच भी पहुँच रहे हैं तां जो इस शाना मते इतिहास तो जाणू भी हो सकन अते अपने वड वडेरियां दे इतिहास नूं सुन के पढ़ के भी वो माण महसूस कर सकन कि जस्सा सिंह रामगढ़िया ने किस तरीके दे नाल अपनी धाक जिहड़ी जमाई सी अते सिख पंथ दे लई वड्डे कारज किते सन। सो जस्सा सिंह रामगढ़िया दे इतिहास नाल संबंधित जिहड़ा रामगढ़िया बुंगा है उस दे विच तुहानूं दिखावांगे कि किस तरीके दे नाल इस दीआं हेठलीआं मंजलां वी तैयार कीतीआं गईआं ने। सो ये पौड़ियां जिहड़ीआं ने ये थले रस्ता जांदा है तां इस दे नाल एक खूह भी अज भी वो देखण नूं मिलदा है। कहा जांदा है कि जिथों तक खूह दी थलड़ी सतह है उत्थों तक ही इस दीआं मंजलां ने। फिलहाल ये दो मंजलां जिहड़ीआं ने वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों तैयार करके संगत खोलियां गईयां ने। सो आने वाले दिनों के उम्मीद है कि बाकिया जिहड़ियां मंजिलां ने उन्हां नूं भी खोल दिता जाएगा। सो ये उही खूह है जिहड़ा थलड़ी सतह तक जाता है तो इस दे नाल नाल जिहड़ियां मंजिलां ने वह भी जांदियां ने। सो एक पूरा रामगढ़िया बुंगा जिहड़ा इत्थे देखण नूं मिलता है जिस दे विच वख-वख कमरे जिहड़े ने वह भी मौजूद ने तो वह जगह भी इत्थे मौजूद है जिस दे विच कहा जाता है कि इत्थे जिहड़े रामगढ़िया नाल संबंधित सरदार सी वह बैठते सन तो जिहड़े इत्थे दे लोग सी वह भी इत्थे आ के पहुँचते सी। सो रामगढ़िया बुंगा जिहड़ा इस वेले खास तौर पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधा के अधीन इसनों संभालिया जा रहा है इसकी सामभ संभाल की जा रही है। सो इस तरह तहनों असी जिहड़ियां कलावां दिखा रहे हैं कि छोटी इट के नाल तैयार होया है सा इसकी सामभ संभाल के लिए पिछले लंबे समय तो काम जिहड़ा सी उह चल रहा सी। सो जस्सा सिंह रामगढ़िया दे कहा जाता कि दादा हरदास जी जो लाहौर जिले के पिंड सुरसिख तो सन उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब तो अमृत छक के सिंह सजे से उन्होंने गुरु जी दी सिक्ख्यावां पिंड पिंड पहुँचाने के लिए भी अहम कार्य जिहड़े से उस समय किए सन। सो उन्होंने दादा जी बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज के भी दाखिल हुए थे तो मुगल फौजां दे नाल उन्होंने जिहड़े जंग हुए सी उस दे विच भी शिरकत की हिस्सा लिया। सो 1716 में दस्या जाता है कि उन्होंने शहीदी हुई सी। हरदास सिंह की मौत तो बाद भगवान सिंह जिहड़े कि जस्सा सिंह रामगढ़िया के पिता सन उन घर के मोढ़ी बने तो उन्होंने बाद जस्सा सिंह रामगढ़िया घर के मुखी बने सन। सो इस वेले साडे नाल मौजूद ने पंथ प्रसिद्ध कवीशर भाई गुरिंदरपाल सिंह बैंका उन्हां दे साथी भाई भगवंत सिंह भगवान अते गुरचेत सिंह दुबली ते उन्हां दे साथी जिहड़े मौजूद ने। खास तौर ते बैंका साहब अज तीजी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है उस महान जरनैल दी जिसका वड्डा इतिहास सुनने नूं मिलदा है की कहना चाहोगे उन्हां दे इतिहास बारे थोड़ा जिहा संगतां नूं जाणू कराओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी दी 300 साल जन्म शताब्दी मनाई जा रही है जिहदा बड़ा वड्डा उपराला श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी ने शताब्दी के रूप में मनाया है और दूर दराडे तो सिख संगत उस महान योधे नूं याद करने वास्ते इत्थे पहुंचियां ने गुरद्वारा दीवान हाल मंजी साहब विखे। इन्हां दे वड्डियां दी कुरबानी बड़ी वड्डी है। चार पीढ़ियां इन्होंने सिख कौम की सेवा की। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए दे सत्कार योग पिता जी ज्ञानी भगवान सिंह जी जेडे अहमद शाह अबदाली दे नाल जूझते हुए रण मैदान विच जिन्होंने शहीदी प्राप्त की। इन्होंने सत्कार योग दादा जी भाई हरदास सिंह जी जिन्होंने कलगी वाले पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अमृत छक के और पंथ की सेवा की। बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज में रह के और जंग विच शहीदी प्राप्त की। फिर सरदार जस्सा सिंह जी उन्होंने अपने जीवन विच सिख राज बनाने वास्ते उन्होंने वड्डियां तेगा मारियां। उन्होंने सत्कार योग सपुत्रा ने भी अगे सिख कौम लई सेवा की। उन्हों का जीवन समुचा एक कविता विच मेरे साथी पेश कर रहे ने। उन्होंने बहुत कुछ जीवन विच कीता। 1723 नूं संसार विच आए और 1803 तक वो तेगा मारदे रहे। सिख राज बनाउण विच उन्हां दा वड्डा योगदान सी और उन्होंने दुश्मन दे नाल जूझ के वख-वख थावां उत्ते सिख राज दीआं हद्दां वधाईआं और
उस सूरमे नू बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िए नू याद करदिया होया मेरे नाल दे साथी ज्ञानी भगवंत भगवान सिंह जी सूरविंड, ज्ञानी गरचेत सिंह जी दुबली गिल साहब, ज्ञानी बलजीत सिंह बगीचा नगर सुर सिंह, गुरिंदरपाल सिंह बैंके दा जथा पेश करदा। इन्हां दा जिहड़ा नगर है जद्दी नगर, यह नगर सुर सिंह है जिला तरन तारण दे विच, श्रीमान संत बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वाले, बाबा विधि चंद जी सुर जिन्हां ने गुरु हरगोबिंद पातशाह तो वड्डियां बख्शिशां प्राप्त कीतियां, उस नगर दे रहण वाले ईचो गिल इन्हां दे नानके सन सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए दे, और उठे इन्हां दा जन्म होया। पंज पुत्र होए ज्ञानी भगवान सिंह होना दे, जिन्हां विच सरदार जस्सा सिंह वड्डे सन, और उस महान योधे नूं याद करदिआं होइआं इक कविता इउं पेश है जी। फरतीला योधा सी उस दा हर दिल करे सुवागत, मुगलां दे जुल्मां तों होगी घर दे विच बगावत। कई मन दे हुक्मां नूं आकी हो गए मर्द जनानी, जस्सा सिंह योधे दी सोभा होवे दोई जहानी। पौ बिखड़ा वेला सी कतलो गारद हर थां मची, जिंद सस्ती हो गई सी चढ़ के मौत सिरां ते नची। बुल धरे सिरां दे सी बुजर बनी फौज तुरकानी, जस्सा सिंह योधे दी सोभा होवे दोई जहानी। आनंद सिंह जी सांगणिया डटिया जुल्महानेरी अगे, नंद सिंह जी सांगणिया डटिया जुल्महानेरी अगे, गिनती तो बारे सी उस दे फट जिसम ते लगे। पर तीर मुश्किल हो, पर तीर मुश्किल अगे वध्या वीर लसानी, जस्सा सिंह योधे दी सोभा होवे दोई जहानी। सांगणिया मिसल विखे जस्सा सिंह हो गया परती, सिख राज बनावन लई सेवा कार शुरू सी करती। ओ कित लड़दे मुगलाना, कित लड़दे मुगलाना, किधर आ पैंदे अफगानी, जस्सा सिंह योधे दी सोभा होवे दोई जहानी। फरतीले योधे नूं चौंदे सिख सिपाही सारे, कोई दुश्मन बचदा ना जिस नूं इक वारी फट मारे। दिल दरिया वरगा हथ दा सखी सीस तक दानी, दिल दरिया वरगा हथ दा सखी सीस तक दानी, जस्सा सिंह योधे दी सोभा होवे दोई जहानी। ਕੱਲੂ ਖਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਕਈ ਅਬਸਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੂਲੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਕਾਏ। ਦਰਦ ਜਦਾਈ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਵੀਰ ਜਿਗਰ ਜੋ ਕਾਨੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ। ਬੜੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਸੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਉਸਨੇ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਰਿਆੜ ਕੀ ਮੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੱਲੀ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਰਾਇਓ ਘੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਗੂ ਬੈਂਕਾ ਕਹੇ ਜਵਾਨੀ, ਆਗੂ ਬੈਂਕਾ ਕਹੇ ਜਵਾਨੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ। ਸਨ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਬੈਂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ,
सरदार जस्सा सिंह जी ने जदों दिल्ली फतेह की उन्हों घोड़िया हाथियों के मगर पा के उस तख्त नूं पुट के इत्थे धन गुरु रामदास के चरणों में लिया के सुट दिता और यह बड़ी वड्डी बहादरी दी और बड़ी वड्डी जित सी खालसा पंथ की। सिमरो बेगम जिहड़ी सी उत्थे उन्हें जदों खालसियां दे अगे पल्ला अड के कहा कि यह राज मैनू दिता जाए तो खालसे उन्हों राज दे आए कि कोई गल नहीं जदों चाहे खालसा दिल्ली फतेह कर सकता है। समय समय उत्ते दिल्ली खालसे फतेह करते रहे। सारी संगत का धन्यवाद। अजीत जिहड़ी चैनल आ इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सो ये सन गुरिंदरपाल सिंह बैंका और उन्होंने साथी जिन्हों ने महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के इतिहास तो जाणू करवाया है। आने वाले समय के होर भी वक् वक् जिहड़ियां स्टोरीज़ तुहाडे नाल लैके जल्द पेश हुंदे रहांगे। तद तक लई मैनूं यानी कि सुरेंद्रपाल सिंह वरपाल और हरिंदर सिंह नूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।